बाद अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो मेरे भाई अल्काइल हैलाइड अल्केन से भी बनता है, एल्कीन से भी बनता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये बनता है अल्कोहल से। अब अल्कोहल से बनाने के चार मेथड हैं, जिनमें से तीन जो हैं वो बिग थ्री कहलाते हैं। बिग थ्री यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक तो होता है SOX2 से। अब देखो अल्कोहल में क्या होता है, ROH, R जहाँ X को देखेगा झपट्टा मारेगा, उसको अपने साथ अलग कर लेगा, और H भी X पे झपट्टा मारने में कम नहीं होता, एक H इस X से मिल जाएगा। तो देखो दोनों X अलग हो गए, यहाँ से SO बचा, यहाँ से O बचा, एक S और दो O का कोई कंपाउंड होता है, जी हाँ बड़ा मशहूर कंपाउंड है जिसको हम क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बन जाएगी हमारी बाय प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो इसी अल्कोहल को अगर हम मिलाते हैं किससे, PX5 से, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड, फिर देखो एक R एक X पे झपट्टा मारेगा, एच भी X पे झपट्टा मारेगा, P रह जाएगा, यहाँ से O रह जाएगा और तीन X रह जाएंगे, POX3 बाय प्रोडक्ट बनेगी। मेन प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड यहाँ भी बन गए जब हमने PX5 से रिएक्ट कराए, SOX2 से भी बन गए। और जनाब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी बनेगी। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में हम बस एक काम करेंगे, एक ROH के बजाय तीन ROH लेंगे, क्योंकि एक R एक X पे झपट्टा मारता है, तीन R हैं, तीन X को लेके अलग हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या बच रहे हैं, कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, तीन, कितने ऑक्सीजन हैं, तीन, और एक फॉस्फोरस, H3PO3 जो कि क्या कहलाता है, फॉस्फोरस एसिड। और चौथा तरीका जो इतना मशहूर नहीं है वो क्या है, HX और SNX2। अल्काइल हैलाइड होता है और एक होता है हाइड्रोजन हैलाइड, याद रहे H के साथ X से ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को आपने इसके साथ मिलाया तो क्या हुआ, हाँ जी R हैलाइड अलग हुआ, और साथ साथ OH और यहाँ का H आपस में मिलके वाटर यानी मम्मा मानी बना लेंगे। ठीक है जी, ये मैकेनिज्म होता है।